सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल टेस्ट एंड ट्रेवल विद चीनू। और गाइज, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही ईजीली बन जाती है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत हेल्दी होती है और बच्चे भी इसको काफ़ी लाइक करते हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार इसको खाएंगे ना तो आई होप आप मंचूरियन बिल्कुल भूल जाएंगे। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया कि न्यूट्रीस को जो है ना बॉईल कर लिया है, और चलिए मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे बनाना है। सो गाइज, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्च, दो बड़ी प्याज, उसके साथ मैंने ले लिया है जी जिंजर का एक टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन की, और ये है जी हरी मिर्च। तो थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा तड़का मार के ना इसको थोड़ा सा चटपटा और टेस्टी बनाते हैं, ताकि बच्चों को भी टेस्ट आए और आपको भी। ये देखिए जी, मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है यहाँ पे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी ओनियंस को यहाँ पे फ्राई करना। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी ओनियन, और ओनियन को अपना अच्छे से हमको हल्का सा लाइट ब्राउन करते हुए हमें इसको भुनना है अच्छी तरह। फिर जी प्याज भुनते हुए टाइम पे ही हमें डालना है गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, और इसे अच्छे से अपने को सॉटे कर लेना है। इसमें जो है ना अच्छे से सॉटे करने से क्या है कि इसका ना एक स्मोकी सा फ्लेवर आपको ये अनियंस देंगी, और अपने को ज़्यादा इसको लाइट ब्राउन ही रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि फिर वो आपको जला जला फ्लेवर देती है। ये देखिए हल्का सा लाइट ब्राउन मैंने कर लिया। अभी मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च अपनी यानी कि कैप्सिकम, और चलिए इसको वापस से सॉटे कर लेते हैं। अच्छे से सॉटे हम इसको कर लेंगे। अब जी जो है ना इसको सॉटे करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐड करना है अपना स्वाद अनुसार नमक। मैंने नमक ऐड करा है 1 टेबल स्पून। उसके साथ मुझे क्या करना है, अब मुझे डालना है जी यहाँ पे का मेन इंग्रेडिएंट जी, वो है सोया सॉस। क्योंकि चाइनीज़ कोई डिश बनाओ और सोया सॉस ना हो तो वो बनता ही नहीं है। तो चलिए हम इसको वापस से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया मैंने विनेगर, तो चलिए वापस से अपने को इसमें मिक्स करना है। थोड़ा सा और मैंने डाल दिया टमाटो केचप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा स्पाइसी, स्वीट और टेंगी फ्लेवर अपने को इसको देना है। तो टेंगी फ्लेवर के लिए अपने को सारा कुछ मिक्स करना पड़ेगा। तो ये जी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर अच्छे तरह सारा कुछ मिक्स हो गया है, तो अब बारी है जी हमारी न्यूट्री यानी कि सोयाबीन बड़ी इसके अंदर डालने के लिए। और अच्छे से हमें इसको क्या करना है, ऊपर नीचे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है, ताकि ये जितना भी हमने मसाला बनाया है ये अच्छा सा सोयाबीन की वड़ी में जो है ना अच्छी तरह समा जाए। क्योंकि न्यूट्री का मज़ा जब ही आएगा जब अंदर तक उसका स्वाद जाएगा। तो ये देखिए कितनी सुंदर रंगत लग रही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, और ट्रस्ट मी गाइस, मंचूरियन बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये आपका इवनिंग स्नैक्स बिल्कुल तैयार है, वेरी इजी। आप लोग ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, और मुझे बताएं कि कैसा बना है। ये देखिए यम्मी यम्मी सा, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। प्लस की प्लस मैं हमेशा रिकमेंड इसलिए करूँगी क्योंकि बच्चों का फेवरेट होता है, साथ के साथ हेल्दी होता है। ये देखिए इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने जो है ना चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी, उसको वापस से कर दूँगी मिक्स। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए जी मैंने प्लेट में लगा दिया है, आप स्मोक देख सकते हैं कैसे धुआं उसके अंदर से आ रहा है। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, आ रहा है ना? तो बस जी यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, और ये देखिए वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है देखते ही। आई होप आप लोगों के मुंह में भी आ ही रहा होगा। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, और अपना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिए, और मुझे यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।